नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर ऑफ द यूनरी सिस्टम। यूनरी सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम डिजीजेज हो सकती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो डिसऑर्डर रिलेटेड टू किडनी आर यूरेमिया। तो एरीमिया एक डिजीज़ है जो कि किडनी डिसऑर्डर की वजह से होती है। ऐसे एक और डिजीज़ है रीनल कैल्कुलाई, और तीसरी एक और डिजीज़ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटाइटिस। इन तीनों डिजीज़ेस के बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यूरेमिया डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मली हाई लेवल हो जाता है ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट का, जबकि बॉडी अनेबल हो जाती है मेंटेन करने को होम्योस्टेसिस। इस कंडीशन में किडनी स्टोन एक स्मॉल हार्ड डिपॉजिट है जो कि किडनी में होता है। इसमें काफ़ी पेनफुल होता है यूरिनेशन। किडनी स्टोन में सिलिका के जो एलिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी नेफ्राइटिस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी को बोलते हैं, और एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ये हो सकता है। जान भी इससे जा सकती है और वैसे ये सही भी हो जाता है। हीमोडायलिसिस की बात अब कर लेते हैं। हीमोडायलिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ यूरेमिया पेशेंट। तो हीमोडायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिमूवल किया जाता है, निकाला जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड से यूरेमिया के पेशेंट से। इसके बाद बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्टिंग यूरिनरी फेल्योर इन विच अ फंक्शनिंग किडनी फॉर्म अ सुटेबल डोनर इज ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अल्टीमेट मेथड होता है यूरिनरी फेल्योर को सही करने का, जिसमें कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो सही नहीं होती है, तो किसी सुटेबल डोनर से किडनी को ट्रांसप्लांट करके दिया जा सकता है। तो किसी की बॉडी से अगर एक किडनी निकल भी जाए तो दूसरी से काम चल सकता है, इसलिए किडनी दूसरे की बॉडी को डोनेट की जा सकती है। उसके बाद हीमोडायलिसिस को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हीमोडायलिसिस में ब्लड फ्रॉम द आर्टरी ऑफ एन अरेमिया पेशेंट इज टेकन कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड मिक्स विद एन एंटीकॉगुलेंट लाइक हेपारिन। इट इज़ पुट इन टू द सेलोफिन ट्यूब ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी वेयर सेलोफिन इज परमेबल टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स बट नॉट टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्लाज्मा प्रोटीन। आउटसाइड द सेलोफिन ट्यूब इज द डायलाइजिंग फ्लूड विच हैज़ द सेम कंपोजिशन एज ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल लाइक यूरिया यूरिक एसिड केराटिन अमीनो एसिड एक्सेट्रा। हैज़ द नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल फ्रॉम विद इन द सेलोफिन ट्यूब फ्लोज इन टू द डायलिसिस फ्लूड फॉलोइंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज डायलिसिस। ब्लड कमिंग आउट ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी इज वार्म टू बॉडी टेम्परेचर मिक्स विद द एंटी हेपेरिन एंड रिस्टोर्ड टू अ वेन ऑफ द पेशेंट। तो हीमोडायलिसिस में ब्लड आर्टरी से लिया जाता है एरेमिया पेशेंट के, और उसको ठंडा किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद उसमें एक एंटी कॉगुलेंट मिला देते हैं हेपेरिन की तरीके से, जिससे कि ब्लड जमे नहीं। इसके बाद इसको सेलोफिन ट्यूब में आर्टिफिशियल किडनी की डाला जाता है जहाँ पर सेलोफिन परमेबल होती है माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देती आर पार, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन को नहीं जाने देती। सेलोफिन ट्यूब के बाहर डायलिसिस फ्लूड होता है और उसमें वही कंपोजिशन होती है जो प्लाज्मा में होती है, मॉलिक्यूल जैसे यूरिया यूरिक एसिड और केराटिन अमीनो एसिड को छोड़ के। इसलिए नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल जो सेलोफिन ट्यूब से आस पार जाते हैं डायलिसिस फ्लूड में, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं और इसी को डायलिसिस कहा जाता है। ब्लड जो आर्टिफिशियल किडनी से आता है वो बॉडी टेम्परेचर को वार्म करने के लिए फिर एडजस्ट किया जाता है, मिक्स किया जाता है एंटी हेपेरिन के साथ और रिस्टोर किया जाता है टू अ वेन ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट के वेन में इसको रिस्टोर कर दिया जाता है, इस तरह से बॉडी में इसकी सप्लाई कर दी जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।